हेलो दोस्तों, द एजुकेशन इंडिया में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम से रिलेटेड सामान्य विज्ञान के कुछ प्रश्न, जिसमें आपको 25 प्रश्न दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, क्या है पहला प्रश्न? मुराह जादा का मतलब होता है दोस्तों मुराह ज्यादा पैदाइश देने वाली वंश है। तो मुराह ज्यादा जो होता है एक वंश होता है किसका? तो भैंस का एक नस्ल होता है, कौन सा? मुराह ज्यादा। इसके आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 2 है, कौन सा ग्रह वाटरी प्लैनेट के नाम से जाना जाता है? दोस्तों नाम से ही स्पष्ट है, वाटरी प्लैनेट यानी कि जहां पे सबसे ज्यादा पानी हो उसे क्या कहेंगे? वाटरी प्लैनेट कहा जाता है। और सबसे ज्यादा पानी कहाँ है? तो पृथ्वी पर है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? वाटरी प्लैनेट। तो यह क्वेश्चन बहुत ही आसान था। केला, जो कि एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यांकन भोज्य पदार्थ माना जाता है, इसमें कितने ग्राम, कहता है 100 ग्राम में कितने कैलोरी ऊर्जा होगा? तो दोस्तों 100 ग्राम केले अगर आप खाइएगा तो उसमें आपको 116 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 4, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है या पीएच मान क्या होता है? तो देखिए 7.35 यानी कि 7.35 से लेकर 7.45 तक होता है। एक सामान्य व्यक्ति के पीएच मान जो होता है 7.5 से लेकर। प्रश्न संख्या 5, सिलिकेट जींस को सीसा या सिल्का ऑफ मैग्नीशियम के नाम से भी जाना जाता है, जो कि प्रचुर मात्रा में होता है। तो देखिए दोस्तों प्रचुर मात्रा में क्या ये पृथ्वी है? क्या ये पृथ्वी? पृथ्वी के जो सबसे निचले भाग है उसी में सबसे ज्यादा क्या रहता है? सिलिका या मैग्नीशियम। कहाँ रहता है? तो क्रस्ट में। क्रस्ट को किस नाम से जाना जाएगा? तो सिलिका ऑफ मैग्नीशियम के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, एक तोप के फायरिंग करने के बाद पीछे धक्का किसकी वजह से मारता है? तो देखिए दोस्तों पीछे धक्का इसलिए मारता है क्योंकि आप न्यूटन के गति नियम को पढ़े होंगे कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यानी कि न्यूटन के थर्ड लॉ यानी कि न्यूटन के तीसरे गति नियम के कारण ऐसा होता है। बॉक्साइट डैश डैश का एक महत्वपूर्ण खनिज है। तो देखिए दोस्तों बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम का एक महत्वपूर्ण खनिज है, एल्युमिनियम श्रेणी का। उसके बाद देखते हैं फ्यूज का सिद्धांत, प्रश्न संख्या 8 है, फ्यूज का सिद्धांत है। तो फ्यूज का सिद्धांत कैसा है? तो विद्युत के उष्मीय प्रभाव। कैसा प्रभाव? उष्मीय प्रभाव, क्योंकि विद्युत में क्या अधिक मात्रा में उष्मा भी देता है। उसके बाद है प्रश्न संख्या 9, जैव पद्धति जिससे प्रास्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है वह क्या है? तो सोनोग्राफी है। क्या है? सोनोग्राफी, प्रास्रव्य ध्वनि का इसका क्या प्रयोग किया जाता है। पाश्चराइजेशन एक प्रक्रिया है। तो पाश्चराइजेशन एक प्रक्रिया है किस चीज का? तो दूध को पहले देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है, इसे क्या कहा जाता है? पाश्चराइजेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? पाश्चराइजेशन। 11 नंबर प्रश्न है, प्रश्न देखिए, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का तो क्या है? बेसिक और एसिड। जितने भी तीसरे और चौथे क्या होंगे समूह के ऑक्साइड होंगे उन सभी का गुणधर्म क्या है? या तो बेसिक होगा यानी कि साल्टी, या एसिडिक यानी कि क्या होगा? अम्लता होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 12, निम्न में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर तथा बहुत तन्य है? तो देखिए दोस्तों बहुत कठोर कास्ट आयरन। क्या है? कास्ट आयरन बहुत अधिक कठोर और अधिक तन्य माना जाता है। कठोर का मतलब जल्दी टूटे नहीं और तन्य का मतलब कि घिंचा उचा सकता है। धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है धब्बा रहित लोहा। तो देखिए इसमें महत्वपूर्ण हो जाएगा क्या? क्रोमियम। यहाँ धब्बा रहित लोहा बनाने में उपयोग किया जाता है। निम्न में से, प्रश्न संख्या 14 देखिए, निम्न में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? लुईस अम्ल नहीं है, कौन सा? तो HN3, HN यानी कि अमोनिया। ये यहाँ एक
क्या है? तो लुईस अम्ल नहीं है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? एथनोलॉजी। एथनोलॉजी विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहेंगे? एथनोलॉजी। तो दोस्तों ये प्रश्न जो है याद रखने लायक है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसके आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 16, निम्न में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो चलिए देखते हैं, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन इसी के कारण आदमी का शरीर जो है क्या होता है, मोटापा ज्यादा होते जाता है, थायराइड के कारण। इसी के कारण क्या होता है, घेंघा रोग भी होता है। तो थायरोक्सिन, थायरोक्सिन क्या है, तो इसमें आयोडीन मिली होती है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 17, सबसे बड़ा अकशेरुकी है, तो सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन है? तो सक्वीड। सक्वीड जो है सबसे ज्यादा अकशेरुकी है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे को कहते हैं, इसे क्या कहा जाता है? मरुभिद। मरुभिद शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को कहा जाता है मरुभिद, यानी कि जो जलवायु के अनुकूलित वातावरण के साथ अपना चेंजिंग कर लेता है। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं, क्या एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है, तो कौन हो जाएगा एटीपी अणु? तो क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र के द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं, श्वास लेते हैं। उसके बाद है, शल्य क्रिया में अर्थोप्लास्टी क्या है? तो शल्य क्रिया में अर्थोप्लास्टी क्या है, तो इसे देखते हैं, कुल्हे के जोर का प्रतिस्थापना। कुल्हे का जोर का प्रतिस्थापना करना क्या है? तो शल्य क्रिया है। पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड क्या था? तो स्माइलिंग बुद्धा। कौन था? स्माइलिंग बुद्धा। दोस्तों आपको याद होगा कि हम भारत का जो है पहला सैटेलाइट साइकिल के द्वारा एक जगह, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया गया था और इसे लॉन्च किया गया था, इसका कोड जो था स्माइलिंग बुद्धा था। भारत सरकार ने झामा के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि उसमें से ऐसी धातु या ऐसा तत्व निकाल सकते हैं जिसका उपयोग ट्रांजिस्टरों में किया जाता है, वह निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है? कौन सा तत्व है दोस्तों? जर्मेनियम। जर्मेनियम जो है किसमें? तो झामा में पाया जाता है। किसमें? झामा में। प्रश्न संख्या 23 में देखते हैं, समान प्रकार की छोटी बूंदे भी वोल्ट तक आवेशित की गई, यदि एन बूंदे मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है तो इस बूंद का विभव क्या होगा? तो दोस्तों इस बूंद का विभव जो है क्या होगा, इस बूंद का विभव होगा आपको n2/3 वोल्ट, n2/3 वोल्ट होगा। प्रश्न संख्या 24, आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्न में से किस भाग से तुलना की जाती है? तो फिल्म। कहता है आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्न में से किस भाग से तुलना की जाती है? तो फिल्म से, ऑप्शन एक। और एक क्वेश्चन और याद रखिएगा दोस्तों, मानव के नेत्र में मानव के नेत्र में प्रतिबिंब कहां बनता है? तो यह भी रेटिना पर बनता है। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहां बनेगा? रेटिना पर। इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है, 25 नंबर जो क्वेश्चन है, रेडियो तरंगे के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्न स्तरों में कौन सा स्तर उत्तरदायी है? तो ये क्वेश्चन आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।